आप देख रहे हैं आठ भट्ट न्यूज, खबर नालंदा से है। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र के कुमारहरी गांव में जर्जर मकान की दीवार गिरने से एक बच्ची की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया है। गौरतलब है कि सुबह बच्ची खेत में शौच करने के बाद घर में हाथ धोने के लिए गई, इसी क्रम में अचानक मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। दीवार के मलबे के नीचे दो बच्चे दब गए। ग्रामीणों के द्वारा मलबे को हटाया गया, लेकिन तब तक शिवानी कुमारी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं परी कुमारी बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसे आनन फानन में रहुई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औपचारिक इलाज के बाद गंभीर हालत में बिहार शरीफ सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि मकान काफी दिनों से जर्जर स्थिति में थी और पिछले दो दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश के कारण दीवार थोड़ी कमजोर भी हो गई थी। यही कारण है कि मकान की दीवार अपने भार को सह नहीं सकी और भरभराकर गिर गई। करिया निकाल के आखिर मैदान जा रहा था कि आ रहा था, अब इतनी देर में दीवार गिर गया है। अब हम तो कहे कि बकरिया दबल है, तो कहता कि बुतरुआ दबल है, तो फिर देखते हैं तो ये को कहे तो समूचा माथे पे छिलाल है, तो वो पहले इसकी बोले को या हो के दबल इसको तो निकाले थे, तो वो जी मैंने कि खत्म हो रहा था सर। अच्छा, क्या नाम था जो बच्चा? उसको नाम है सीमान। कितना साल का? 5-6 साल से ऊपर हो गया होगा। अच्छा, और एक भर्ती है? हाँ, ये वो भर्ती है बिहार के लिए गया, क्या आ गया है उसका ये समूचा ये मैंने कि केसिया आदम को खो खा समय इधर हो गया। उसको के कोई आशा है कि नहीं है इससे कम कर नहीं सकते सर। आप सुन, संधि पंचायत के कुमंडी गांव में ये दो दिन से काफ़ी बारिश हो रहा था, उसी के चलते दीवार गिर जाने के कारण दो बच्ची उसमें दब गई थी, जिसमें एक मृत्यु स्पॉट पर ही हो गया है, एक की हालत चिंताजनक हालत में रहुई से बिहार शरीफ रेफर किया गया है, उसकी भी हालत दयनीय है। मुआवजे को लेकर क्या किया गया? अब जो सरकार का मुआवजा का जो अच्छी है, इसमें अगर मुआवजा जो बनता है सरकार का नियम और कानून के द्वारा ही मिलेगा।